अभी इस वक्त हूँ मैं अपने होटल में और ये कुछ नज़ारे का मज़ा ले रहा हूँ। तो टाइम हो चुका है दोपहर के 1 बजे। सुबह सुबह के व्लॉग में हम लोगों ने कवर किया सिल्वर फॉल, तो यार काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग बनाया। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाओ यार जाके देखो। और अभी हमारा प्लान है बी फॉल का, बी फॉल के बाद जाएंगे हम शाम को धूपगढ़। तो बस यार निकलते हैं, आज का जो मौसम है यार वो देखो, सुबह सुबह से कोहरा है, कमाल है। तो अक्टूबर के महीने में दोपहर के 1 बजे कोहरा, यह है पचमढ़ी का सीन। ये वाला मुर्गा सुबह सुबह जगाता है यार, नींद खराब करता है। रेडी ब्रो, तान दो फिर खींच के गुरु। तो बी फॉल हम लोग पहुंच चुके हैं और इस तरह के ट्रैक से पैदल जाना पड़ता है। अगर आप जिप्सी करते हो तो यहाँ पे जिप्सी नीचे जाती है, लेकिन हम लोग बाइक से आए तो पैदल जाना पड़ेगा। आज का मौसम जो है यार वो तो अमेजिंग है, लेकिन एक दिक्कत भी हो गई है। ये मौसम की वजह से बादल इतने ज़्यादा हैं कि आज सूरज नहीं दिख रहा है और ठंड बहुत ज़्यादा है। मैंने देखो जैकेट वैकेट भी पहन के रखी है। तो अगर बादल ज़्यादा होंगे तो आज का धूपगढ़ का प्लान हम कैंसिल करते हैं और आज कुछ और पॉइंट हम लोग कवर करेंगे, पर धूपगढ़ हम कल कवर करेंगे। ये देखो पीछे वहाँ पे कहीं सन है, दिख रहा है क्या? पूरा का पूरा ढक चुका है, तो जब सन ही नहीं दिख रहा है तो सनसेट क्या दिखेगा। और धूपगढ़ का जो सनसेट है वो बहुत खूबसूरत है, तो वो हम सोच रहे हैं कि बहुत अच्छे से कवर करें। अच्छा, पचमढ़ी की एक और ख़ास बात मैं बताता हूँ आपको। अभी जब हम लोग आ रहे थे तो चेक पोस्ट पर उन्होंने पूछा कि हमारे पास बिस्लेरी की कितनी बॉटल है पानी की, तो ये सिस्टम मुझे अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि कुछ लोग क्या करते हैं कि पानी की बॉटल्स नीचे फेंक देते हैं, तो वो पहले ही एंट्री करवा लेते हैं कि आपके पास कितनी बॉटल्स हैं और जाते टाइम चेक करते हैं कि वो बॉटल आपके पास है कि नहीं। तो यार ये काफ़ी अच्छा स्टेप लगा मुझे। और आप लोगों से भी यार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग ऐसी जगह में आते हैं तो यार गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि नेचर से बढ़कर कुछ नहीं होता यार। देखो एक बार चारों तरफ का नज़ारा, मतलब दिल खुश हो जाता है यार जब भी हम ऐसी जगह में आते हैं। तो प्लीज़ ऐसी जगह को गंदा ना करें, स्वच्छ बना के रखें। और हाँ, पचमढ़ी में ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं इनका असर भी दिखता है, यहाँ पे बिल्कुल भी गंदगी देखने को नहीं मिलती है। तो रास्ता है सुहाना जो खत्म नहीं है होना, क्या गाना गाता हूँ ना, कैसा लगा मेरा गाना? यार तुम्हें तो यार इंडियन आइडल में जाना चाहिए। यो ब्रो, भाई आएगा इंडियन आइडल में, डोंट वरी। ये यहाँ पे पानी दिख रहा है, यही शायद आगे बी फॉल में जाता है, देखते हैं। तो चले जा रहे हैं, लेकिन सफ़र पूरा नहीं हो रहा भाई, और अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्ट होने वाला है, देखते जाओ। बहुत गहराई है अभी तो नीचे, देखते जाओ। अभी तो हम लोग वहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ तक जिप्सी वाले आते हैं, इसके बाद होता है असली सफ़र शुरू। तो अब सीढ़ी वाला जो रास्ता है वो स्टार्ट हो चुका है यार, जिसमें जाते टाइम तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आते टाइम क्या होता है बताओ? आते टाइम एक तो आधी एनर्जी वहाँ पे नहाने में चली जाती है, फिर नहा के वापस आने में बहुत थकान हो जाती है, ऊपर से ये हैवी बैग मर जाती है। एक बार जो यहाँ ऐसे उतर लेना, वो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। तो थोड़ी सी सीढ़ी उतरने के बाद हालत हो चुकी है ख़राब और जैकेट आ चुकी है बाहर, मतलब गर्मी है बहुत। सोचो ये तो उतरने के बाद हो रहा है, आते टाइम पे क्या होगा? आगे क्या भी फॉल और नीचे अभी देखो यार, यहाँ पे दो ब्रिज बने हुए हैं,
एक रहा ये और एक रहा छोटे वाले से जाएंगे। ये भी पॉइंट है, ये जो पानी है ये बह के जाता है पूरा बीच वाले नीचे। अच्छा छोटे वाले से चलेंगे, छोटे वाले से। ये वाला पानी नीचे जाता है बी फॉल में। अच्छा साउंड है ना। चेतावनी पढ़ लो यार। तो अब ये यहीं पे रुकेगा, आगे का ब्लॉग मैं शूट करने वाला हूँ। अब ये बात रिकॉर्ड हो चुकी है, लौटते टाइम फेस बताएंगे दोनों के, दोनों में से किसका फेस इसी पॉइंट पे आके चेक करेंगे, यहीं पे चेक करेंगे आके। चलो देखते हैं। तो रास्ता कभी ऊपर चढ़ा रहा है कभी नीचे उतार रहा है, मजाक लगा कर रखा यार। इधर है भाई फॉल, नीचे देखो नीचे नीचे तो देखो। अभी ऊपर चढ़ाने के बाद यार रास्ता फिर से नीचे उतार रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। ओ क्या हुआ, नमे की मेरी डेली लिखा हुआ था ना, आना नहीं है क्यों आ गया। मैं एनर्जी सेव करके चल रहा हूँ भाई, कछुए की चाल से चलता हूँ, खरगोश की नहीं। तो ये क्या लगा रखा है यार, कभी ऊपर कभी नीचे, ले जाना कहाँ जा रहे हैं। जैसी जिंदगी में अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं, बस वैसे ही कुछ रास्ता हमें सिखा रहा है। ये रास्ता हमें सीख दे रहा है क्या। अच्छा ये अंधेरा हो गया है कि मेरे 100 रुपए वाले चश्मे का कमाल है। नहीं अंधेरा क्या, थोड़ा सा धूप कम लग रही है ना। सर पर इधर बहुत ज्यादा निकल गई, इधर आ मेरे पास। उल्टे नहीं डालो, उल्टे के जाऊंगी उल्टे। ठीक है खाली इससे रास्ते में आओ तो दौड़ने का नहीं, बहुत डेंजरस होता है, स्टोरी नहीं बताएंगे, मत जाओ। तो बॉस ऊंचाई चढ़ाई फिर उतराई एंड फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बी फॉल। अच्छा बी फॉल की स्टोरी तो बताई नहीं मैंने, इसको बी फॉल क्यों बोलते हैं। कुछ सालों पहले अंग्रेज यहाँ पे आए और अंग्रेजों ने यहाँ पे नहाने की कोशिश की। जब वो यहाँ पे नहाने के लिए गए तो पानी की बूंदें जब उनके ऊपर पड़ी तो जैसे ततैया काटती है ना, तो वैसा कुछ फील हुआ और फड़फड़ा गया अंग्रेज। तो उसके बाद से इसका नाम हो गया बी फॉल। यस सही है, बस यही है स्टोरी, सच्ची घटना पे आधारित है। और दमे वाली स्टोरी का भी बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, देख लो देख लो देख लो हालत देख लो। क्या कैमरे के सामने आके क्या कर रहा है, कैमरे के सामने आके कर रहा है क्या हुआ, देखो देखो पूरा बढ़िया फेस। ये रहा पीछे झरना, अभी शायद नहीं दिखेगा, बहुत नीचे है। अब दिखा क्या, ये रहा झरना। तो फाइनली उतार चढ़ाव सबके बाद हम लोग झरने तक पहुंच ही चुके हैं यार, आवाज़ आ रही होगी। एंड इसके आगे आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, तो इसीलिए बस हम लोग जाएंगे नहाएंगे और जो भी सीन होगा वो दिखाएंगे। पहले झरना देखो, ये रहा है ना बढ़िया।
रेडी नहाने के लिए? रेडी। टोपी तो निकाल। यार नहाने का मन तो कर रहा है लेकिन पानी बहुत ठंडा है। यहाँ तक तो उड़ के आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा है वो। हिम्मत कर बेटा, हिम्मत कर, जाना है तुझे, जाना ही पड़ेगा। जाएगा ये बंदा, नहा के दिखाएगा, देखो। पानी इतना ठंडा है, हालत खराब हो रही है, पता नहीं कैसे नहाएंगे, लेकिन जाना तो है। तो नहाना हम लोगों का हो चुका है। औसम यार, औसम मजा आया। कटिया काटी गई, बहुत ठंडा पानी था, मजा आ गया भाई। कटिया काटी गई, काट रही थी यार। तो इसका जो नाम है ना यार, बीफ फॉलो, बहुत सही है। क्योंकि जब हम लोग अंदर गए तो सच में जो पानी की बूंदें पड़ती है ना, बहुत तेज पड़ती है। मैंने एक बार बीच में फेस ऊपर कर दिया था, जो ततैया काटी ना मुँह में यार। मज़ा आ गया, बस मज़ा आ गया यार। बहुत अच्छा पॉइंट है पचमढ़ी, आके ये पॉइंट तो ज़रूर एंजॉय कीजिए। तो अभी हम लोग जाते हैं यार धूपगढ़, क्योंकि हमें लग रहा है कि शायद अब सनसेट देखने को मिल जाएगा। तो ट्राई करते हैं एक बार, अगर होता है तो। इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं क्योंकि अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो क्या करना है यार, लाइक मार दो, और ये सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है नीचे लाल कलर का, काला कर दो। एंड इसके बाद हम मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में इसी तरह से मस्ती करते हुए। तो यार सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय।